Friends, again I am coming back with new concept of physics, new derivation and new topic. Today's our topic is electric field due to infinitely long plane shape. In our previous topic, हमने क्या find किया था कि हमारे पास एक infinitely long thin wire थी, उससे हमने electric field find की थी. In this session, we are going to find infinitely long plane shape. ये जो गॉस की एप्लीकेशन है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन अमंग ऑल थ्री एप्लीकेशन. ये जो है हमारे सीबीएसई एग्जाम में 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2015 और 2017 सीबीएसई इन एग्जामिनेशन में आ चुकी है. तो ये तीनों एप्लीकेशन है जो गॉस की, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो ये है. कौन सी एप्लीकेशन है? इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट. अब इस एक्सप्रेशन में सिर्फ थ्री सिंपल स्टेप में वी कैन डिराइव दिस डेरिवेशन. तो एक्चुअली व्हाट हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट. सपोज वी आर हैविंग अ पीस ऑफ प्लेन शीट, इनफाइनाइटली प्लेन शीट का हमने एक पीस लिया है. नाउ अगेन आई एम टोल्ड यू कि इनफाइनाइटली लॉन्ग डजंट मीन दैट ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है. इसका मतलब है कि जो हमने डिस्टेंस कंसिडर की है उसके रिस्पेक्ट में इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, इस ये जो इनफाइनाइट ये जो शीट है वो क्या है आपकी, इनफाइनाइटली लॉन्ग है. नाउ दिस इन दिस इट चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना. ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो हमने शीट ली है इसमें जो है हमने चार्ज को क्या किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया. Due to this charge, we can find at any point P electric field intensity. किसी भी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. तो नाउ इन दिस आप देख सकते हो इस शीट में क्या है, हमने क्या किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी भी पॉइंट पी पे, किसी भी पॉइंट पी, इट मे बी हियर, इट मे बी हियर, इट मे बी दिस साइड, बिकॉज एट अगर हमारे पास पॉजिटिव प्लेन शीट है और उसमें अगर हमारे पास प्लेन शीट है और उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल रेडियली आउटवर्ड इन दिस वे. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वी आर सपोज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. तो वी आर एज्यूमिंग ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस शीट, वी आर टेकिंग ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस शीट. Suppose we are taking this part of sheet, and what we have to find? We have to find total electric flux which are coming out from this portion. है ना, हमें क्या find करना है, electric flux find करना है पहले तो, जो इतने portion से निकल रहा है. Then we are integrating, फिर हमने क्या किया, इतने part से find किया, इतने part से find किया, इतने part से, इतने part से. अगर हम एक छोटे से small का, अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, अगर हमने एक छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया तो हम टोटल शीट का हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ तो हमने क्या किया, एक छोटे से पार्ट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड फ्लक्स निकल रहा है वो हमने फाइंड किया. देन हमने उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया. किसके लिए? पूरे सरफेस के लिए. कैसी सरफेस है हमारी, कैसी सरफेस है, शीट है, इज इन द फॉर्म ऑफ शीट, उसके एरिए से हमने इंटीग्रेट कर दिया. नाउ इन जस्ट थ्री सिंपल स्टेप वी कैन डिराइव दिस एक्सप्रेशन. आई होप यू विल गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर. नाउ बाय यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. गॉस लॉ क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स इंटू नेट चार्ज. दिस इज आवर एक्सप्रेशन फर्स्ट. नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है कि इतने एरिया से, इतने स्मॉल एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन अगर हम
रहा है, तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर ई डॉट डीएस, इट मींस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एरिया वेक्टर. नाउ हियर इफ यू सी दिस डायग्राम, यहां पे क्या है, सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, तो अगर हमने ये पार्ट लिया, इफ यू आर एज्यूमिंग दिस स्मॉल पार्ट ओवर दिस इनफाइनाइट शेप, तो अब इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, तो हमने किसी पॉइंट पी पे कंसीडर किया कि कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है. नाउ ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, यहां पे भी क्या होगा, ये रेडियली आउटवर्ड होगा, तो क्या एक कैसी गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर सकते हैं, हम कैसी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, अगर हमने ये कि स्मॉल एरिया लिया है, तो जब गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, कैसी होगी, वो सिलेंडर के फॉर्म में होगी, तो सिलेंडर के फॉर्म में होगी, तो एक दो सरफेस हो जाएंगी, एक तो हमारी एस वन सरफेस इधर की हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सरफेस, एंड अनदर सरफेस इज एस टू, वी आर गेटिंग टू सरफेस. नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन, एंड एरिया वेक्टर क्या होगा, अगेन नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, एरिया हम बार बार बोल चुके हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, अगेन वी आर सपोजिंग दिस सरफेस, वी आर टेकिंग दिस सरफेस, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, एंड एरिया वेक्टर अगेन नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, तो दोनों के बीच जो एंगल है, यहाँ पे ई और ए के बीच एंगल है, या ई और डीएस के बीच जो एंगल होगा, डीएस वन और यहाँ पे ई डीएस टू के बीच जो एंगल होगा, वो क्या होगा, क्या होगा, वो दैट विल बी जीरो डिग्री, दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है, जीरो डिग्री है. क्यों जीरो डिग्री है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है. तो वी आर कंटिन्यूइंग दिस पार्ट, तो वी आर हैविंग टू सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ई डॉट डी एस, दिस वन इज फॉर सरफेस एस वन एंड दिस वन इज फॉर सरफेस एस टू. Did you get my point? Okay. Now, again, E dot ds for surface S1, E dot ds. दोनों के बीच अगर हम इसको S1 surface ले रहे हैं तो यहां पे ds1 होगा, इसको S2 surface ले रहे हैं तो यहां पे ds2. Okay. Now, ds1, ds2. तो दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो डिग्री. तो वी कैन सिंपली राइट क्लोज इंटरवल E. E d s 1, yes, you simply write cos 0 degree plus again this is for surface S1 and this is for surface S2, E d s cos 0 degree. Then next expression, दोनों को ऐड करोगे तो वी आर हैविंग क्लोज इंटीग्रल ई डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, दिस इज एस वन, दिस इज फॉर एस टू, वी आर हैविंग टू टाइम्स ई डी एस, वी आर हैविंग टू टाइम ई डी एस, एंड लेफ्ट साइड में जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. फर्स्ट इक्वेशन आपको कहां से मिली, गॉस थ्योरम से, यूजिंग गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू. और जो सेकंड एक्सप्रेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी, वो आपको कहां से मिली, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कितनी हुई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टू टाइम ईडीएस. नाउ कंप्लीट, हमने दो स्टेप कर दी, लास्ट स्टेप बाकी. लास्ट स्टेप क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second, from equation first and second, क्या हो जाएगा, वन अपॉन क्यू नॉट, सॉरी वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स क्लोज ई डी एस. अगेन
transposing this term. Okay, now here E is taking outside. E is constant, it has fixed value, and close integral के अंदर क्या हो गया ds था. आपकी कुछ बुक में ds जो ये जो है आपका क्या है ये सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को कहीं कहीं किसी किसी बुक में ए से डिनोट किया गया है, कहीं कहीं किसी बुक में एस से डिनोट किया गया. तो यहाँ पे इट्स अप टू यू कि आप इसको किसे डिनोट करते हो ना, ये ए से भी डिनोट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं कंसिडर करती हूँ ये सरफेस एरिया जो है इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, ए से. तो नाउ वी आर हैविंग वी आर गेटिंग टू टाइम्स ई इंटू ए. ये जो सरफेस एरिया को हमने क्या कंसिडर किया, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ यहाँ पे लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू सरफेस एरिया, दैट इज वी आर टेकिंग कैपिटल ए. नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, क्यू बाय एप्सिलॉन r. यहां तक क्लियर है? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, एक बार फिर से एक्सप्रेशन पे जाइए और देखिए, जो हमारा गॉस लॉ की एप्लीकेशन से फिर जाइए और देखिए. वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट. क्या फाइंड करना, इसमें से हमें कौन सा एक्सप्रेशन फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना, हमें ई फाइंड करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ई विल बी, ई क्या होगा आपका, ट्रांसपोज कीजिए, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए. अगेन दिस क्यू विल बी, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, है ना. हमने पहले जो थिन वायर की थी उसमें लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें कैसा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना. तो ये जो क्यू है हमने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज एरिया चार्ज डेंसिटी. एरिया चार्ज डेंसिटी ये कितनी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ क्यू, वी कैन राइट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए. डिड यू गेट माई पॉइंट? नाउ ए विल कैंसल आउट. What will be the remaining term? Remaining term will be sigma by 2 epsilon naught. So then we are having E is equal to sigma by 2 epsilon naught. हमने three simple इस term में हमने इसके लिए expression derivation find कर लिया. First expression क्या था, by using Gauss law. सेकेंड एक्सप्रेशन क्या था, सेकेंड स्टेप के लिए हमने क्या फाइंड किया, बाद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को कंबाइन किया, देन हियर वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट. नाउ लास्ट जो हमने वीडियो की थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होता है. तो उसका आंसर काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया. तो यस करेक्ट, योर आंसर वाज करेक्ट, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी. क्योंकि जो ई था इन आवर प्रीवियस क्लास, जो ई था वो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था. बट इन दिस केस अगर आप देख रहे हैं, जो हमने आर कंसिडर किया है इस पॉइंट से, सरफेस से किसी पॉइंट पी पे, और जो हमारी एक्सप्रेशन आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. यू कैन सी हियर ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे कोई भी आर का टर्म नहीं है. तो आपके प्रीवी आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें वन मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑफ आर, है ना. तो योर आंसर विल बी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें कहीं भी याद नहीं है. तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो ये जो है ये डिस्टेंस से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा. सेकेंड टर्म जो है इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ग्राफ आता है, किनके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच अगर आपको ड्रॉ करना हो ग्राफ, तो ग्राफ कैसा होगा,
ई और आर के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसा होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट, क्यों, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. अब सिर्फ ये आपने किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग शीट. अब जो अगर आप देख रहे हो कुछ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो है वो अपने क्वेश्चन सीधे नहीं पूछ रहा है आजकल. प्रीवियस 3 or 4 ईयर से मैं भी देख रही हूँ कि जो उनके क्वेश्चन होते हैं थोड़ा घुमा फिरा के होते हैं, तो वो सीधे सीधे टॉपिक पे नहीं आते हैं कि आप ये बता दीजिए डिराइव्ड एक्सप्रेशन. नहीं, वो इसी चीज को घुमा घुमा के डिफरेंट डिफरेंट वे से पूछते हैं, है ना. अब ये हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन, पर वो क्या पूछेंगे कि अगर आपके पास दो प्लेन शीट है और दोनों प्लेन शीट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस रीजन में या इस डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. दैट वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट सेशन. वी आर हैविंग टू शीट, वन इज पॉजिटिव, वन इज चार्ज डेंसिटी हैविंग सिग्मा वन एंड अनदर शीट विच इज चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा टू एंड दे आर कैप्ड एट सम डिस्टेंस. तो सम बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके पास दो शीट है, वन इज पॉजिटिवली चार्ज अनदर इज नेगेटिवली चार्ज, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट एट पर्टिकुलर पॉइंट पी वन एंड पी टू एंड पी थ्री. इस दो पैलर प्लेट शीट की वजह से किसी पॉइंट पी वन पे, पी टू पे, पी थ्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड नाउ. एंड अगर हम पी वन की बात करें तो पी वन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस सिग्मा वन चार्ज क्या होगा. हमने यहाँ पे अज्यूम किया पी वन पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो उस पी वन पॉइंट में हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज अज्यूम करेंगे, और यूनिट टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना. यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वी आर टेकिंग ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हमने पी वन पे रखा है, तो पी वन पे जो हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन. हम क्या करेगा, वो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा. तो दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस शीट. नाउ अगेन वही जो प्लस क्यू चार्ज है आपका, प्लस टेस्ट चार्ज है यहाँ पे पी वन पे, सिग्मा वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिस साइड, एंड ड्यू टू दिस माइनस सिग्मा टू उसका डायरेक्शन क्या होगा, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा. तो ई वन विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लस सिग्मा वन एंड ई टू दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज माइनस सिग्मा टू. तो जो दोनों का डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वन क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई वन माइनस ई टू. ई वन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, और ई टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज. जो हमने टेस्ट चार्ज कंसिडर किया वो क्या है, पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो वी आर गेटिंग टू E1 and E2 which are in opposite direction. तो E1 minus E2, electric field हमने अपनी long infinitely sheet की find की थी, क्या थी, sigma by 2 epsilon naught. Here E1 तो sigma 1 upon 2 epsilon naught, और E2 क्या हो जाएगा, sigma 2 by 2 epsilon naught. Taking LCM 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2. If we are taking द मैग्नीट्यूड ओनली, सिग्मा वन और सिग्मा टू का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जो हमने पैरेलल शीट ली है उसका हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो दिस टू टर्म्स विल कैंसिल आउट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो क्या होगा आपका, जीरो एट पॉइंट पी वन. सिमिलरली एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा. कैसे होगा, अगर आपने यहाँ पे प्लस क्यू टेस्ट चार्ज लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज डायरेक्शन क्या होगा, रिपल करेगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस सिग्मा टू चार्ज ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो अगेन ई वन एंड ई टू आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो सेकेंड केस जो आपका है, केस टू में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. यू कैन फाइंड
है ना, कि E1 और E2 दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम एक्स देयर इमिशन केस 2 के लिए भी आ जाएगा. नाउ स्पेशल केस इज व्हाट, केस 3 में हम क्या कर रहे हैं, वी आर सॉरी दिस वन इज P2 एंड वी आर एज्यूमिंग P3 हियर. नाउ पॉइंट 3 यहां पे क्या होगा, यहां पे भी आपने एक टेस्ट चार्ज लेके आए है ना, कहां पे लेके आए, इन बिटवीन पैरेलल शीट, पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट. तो यहां पे जो आप प्लस क्यू टेस्ट चार्ज लेके आओ, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस σ1 चार्ज इट विल रिपल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस -σ2 चार्ज ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. तो E2 का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ थर्ड केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, E1 प्लस E2, या मैं इसी में कंटिन्यू कर देती हूं, इसी में कंटिन्यू कर देती हूं मैं आपका, ये केस 3 हो गया एट पॉइंट P3. तो क्या हो जाएगा, E विल बी E1 प्लस E2, बोथ विल बी एडेड. नाउ E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए एक्सप्रेशन क्या था, σ/2ε0. यहाँ पे σ1 हम कंसिडर करेंगे, अगेन σ/2ε0. वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ σ1 एंड σ2, और उसको हमने किसके इक्वल माना, से सिग्मा. तो वी आर गेटिंग क्या हो जाएगा मेरे पास, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0. तो फाइनल एक्सप्रेशन विल बी 2σ/2ε0. 2 विल कैंसल आउट σ/ε0. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, σ/ε0. तो ये है जो हमने 3 केसेस डिस्कस किए. तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी भी सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है ना, क्वेश्चन हमेशा केसेस के साथ ही आएगा और थोड़ा घुमा फिरा के ही आएगा, कि अगर आपके पास पैरेलल शीट है, A1 इज पॉजिटिवली चार्ज, 1 इज नेगेटिवली चार्ज, देन यू हैव टू फाइंड एनी सर्टेन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट. और ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं. अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा और ये डेरिवेशन आपको समझ में आया, तो प्लीज लाइक कीजिए. और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, नहीं समझ में आता, कहीं डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप वहां अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं.